हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और आज है ईद, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी ईद उल अदा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कुछ एक आइटम, किचन रिलेटेड आइटम्स हैं ये। और होममेकर्स को किचन में इम्प्रूवमेंट वाले जो भी कोई आइटम्स मिलते रहे हैं, नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहे तो अच्छा ही लगता है, बिकॉज इट्स अ ग्रेट यूटिलिटी। तो इन सभी में सबसे पहला है ये मैट, ये सिलिकॉन का मैट है। आई एम श्योर आपने ये देखा होगा, बहुत लोग बेकिंग करते वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। जो सिलिकॉन मैट है ना, इसके ऊपर आप देखेंगे तो मेजरमेंट्स बने हुए हैं। ये बेसिकली आपका जो आप पेस्ट्री बना रहे हो, जो आप बेकिंग करने वाले हो, उसका जो साइज रहता है ना वो डिसाइड करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल 6 इंच पिज़्ज़ा, 9 इंच पिज़्ज़ा, 12 इंच पिज़्ज़ा, उस हिसाब से। और आप ये जो रोलिंग मैट है ना, इसको एज रोलिंग मैट भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो नीड आटा ऑन इट। इस मैट का मटेरियल है सिलिकॉन, और जैसा मैंने आपको बताया ये आता है मेजरमेंट्स के साथ फॉर फाइंडिंग आउट द राइट साइज। इट कैन बी यूज फॉर रोलिंग चपातीज, रोटी, पिज़्ज़ा डो एंड फॉन्डेंट्स एंड पेस्ट्रीज। इट इज़ मेड फ्रॉम सिलिकॉन विच इज़ फ्लेक्सिबल एंड फूड ग्रेड, एंड इट इज़ 54 सेंटीमीटर इन डायमीटर। दिस सिलिकॉन मैट कुड बी मल्टीपर्पज इन योर किचन एंड इट इज़ सो ईजी टू रोल ऑन दिस। सो इसको भी आप रोल करके, फोल्ड करके आराम से कहीं पे भी रख सकते हो। ये बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करती है एंड इट इज सो फ्लेक्सिबल ऑल्सो। और इसका प्राइस ₹299। और नेक्स्ट है मेरे पास ये कुलेंडर, सीव भी कह सकते हो आप इसे, और ये सिलिकॉन का बना हुआ है। अगर आपके पास जो इंग्रेडिएंट है जो आपको वॉश करना है, छानना है, वो कम है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा ही मेथी है, तो आप इस तरह इसको इस्तेमाल करें। और अगर तो मटेरियल ज़्यादा है आपके पास वॉश करने के लिए, सीव करने के लिए, तो ये एडजस्टेबल भी है, आप इसको पुश कीजिए जस्ट अ सेकेंड, तो ये इस तरह से डीप भी हो जाता है। तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा है आपके पास सामान की तो उसको भी अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि ये है ना हीट प्रूफ है, यानी कि आप इसे डिशवॉशर में वॉश कर सकते हो। ऑल्सो ये स्टैकेबल भी है, तो इट वॉन्ट कंज्यूम अ लॉट ऑफ स्पेस इन योर किचन। दिस स्ट्रेनर कम बास्केट इज स्पेस सेविंग एंड इट इज़ अ ग्रेट वॉशिंग ट्रे फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नूडल्स एंड पास्ताज। ऑल्सो दिस कोलेंडर इज कोलेप्सिबल, ईजी ग्रिप हैंडल्स इट हैज़। और ये जो कोलेंडर है ये फूड ग्रेड मटीरियल से बना हुआ है। ऑल्सो दिस इज ओडर रेजिस्टेंट, डिश वॉशर सेफ तो है ही। और इसका प्राइस है ₹422। और ये जो स्ट्रेनर है ये है आज का डील ऑफ द डे, यानी कि फॉर 24 आवर्स ये आपको मिलेगा ₹299। और नेक्स्ट जो आइटम मेरे पास है ये मैं बहुत वक्त से चाह रही थी कि मेरे पास हो, देन आई फाइंड इट आउट और मैंने इसको ले लिया। और ये बेसिकली आप देख कर आइडिया लगा सकते हो, आपका जो ड्रेन्स वगैरह होते हैं ना स्पेशली, तो सिंक उसमें गंदगी, बाल वगैरह फंस जाते हैं ना, दिस इज़ दैट ड्रेनर कैचर बेसिकली। ये यहाँ से जैसे लाइटर होता है ना अपना गैस लाइटर, उस तरह से आप पुश करेंगे तो यहाँ से क्लॉ जैसा निकल के आता है। आप इसको सीधे आपका जो सिंक है उसके पाइप में डाल दीजिए ऊपर से, ठीक है, और उसके बाद जब ये अंदर चले जाए तो ऊपर से आप इसे इस तरह प्रेस कर सकते हो तो नीचे से ये क्लॉ जैसे खुल जाएंगे एंड इट विल कैच ऑल द हेयर एंड गंक एंड इम्प्योरिटीज़। और आप फिर इसको पुल कर लीजिए तो सारा का सारा जो गंदगी है इसके साथ निकल कर आ जाएगा। आपके सिंक को ओडर फ्री रखने के लिए, गंक फ्री, बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए आई थिंक दिस इज़ a kind of must have tool. This hair catching drain cleaner wire spring is made of stainless steel. It improves drainage flow. Aur iska price hai ₹296. Aur iske baad next I have this एग ऑर्गेनाइज़र या एग ट्रे भी कह सकते हो आप इसे। और ये है ना इसका जो लिड है ये क्लिप वाला है, तो इससे क्या होता है एग्स है ना बिल्कुल ही सिक्योर्ड रहते हैं। कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंटली स्लिप हो जाता है तो एग्स सारे के सारे गिरेंगे नहीं, मिसहैप नहीं होगा, बिकॉज इट हैज़ क्लिप्स ना। तो अच्छे से जो आपके एग्स होते हैं वो स्टोर्ड भी रहते हैं, प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, वेल ऑर्गेनाइज, नीटली प्लेस्ड रहते हैं इन द रेफ्रिजरेटर और इन द किचन। ये जो कंटेनर है ना, यानी कि एग ट्रे, इट कम्स विद दिस लिड। और ये जो ट्रे है ये बना है फूड ग्रेड प्लास्टिक से, इसका प्राइस है ₹444। और ये थे वो सभी प्रोडक्ट्स जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। इनमें से आप किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो इनको खरीदने के लिए लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा लिंक नाम से। आप उस पर क्लिक करके इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को या इन सभी को खरीद सकते हैं। ऑल्सो नाउ यू कैन प्लेस ऑर्डर थ्रू व्हाट्सएप। और इतना ही नहीं, नाउ यू कैन एंजॉय सर्विसेज लाइक फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, 5 डेज रिटर्न भी आपको मिलता है एंड ऑल्सो 5 डेज एक्सचेंज। तो ये तो था आज का मेरा छोटा सा हॉल। जरूर बताइएगा मुझे आपको ये छोटे मोटे हॉल कैसे लगते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स आपको पसंद आए। आपको जो भी प्रोडक्ट्स पसंद आए अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो लिंक मिलेगा आपको इसी
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं कॉर्न के पकौड़े। तो इसके लिए थोड़ा अलग तरीके से बैटर बनेगा। ये आप देख रहे हो ना कॉर्न, ये उबाले हुए कॉर्न है, मैंने कल बॉइल करे थे। तो इसमें से थोड़े से कॉर्न यहाँ ले लेंगे। आप चाहें तो इसके लिए कच्चे कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज हम पकौड़े कर रहे हैं तो वो इवेंचुअली पक ही जाने वाली है। तो मैं थोड़े लाइक हाफ यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉर्न्स, और इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो इसका क्रश नहीं, बेसिकली इसका एक थोड़ा सा यू नो थिक सा पेस्ट हमको चाहिए। तो मैं अभी इसको मिक्सी कर लेती हूँ। ये देखिए, ऐसा मैं बोल रही थी, पेस्ट जैसा चाहिए, एकदम ही वो कूटा हुआ सा कॉर्न दिखे ऐसा नहीं चाहिए। तो इसे रख दीजिए भी साइड में, और एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे, और इस मिक्सिंग बोल के अंदर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, और ये है दो मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, एंड देन थोड़ा सा हरी मिर्ची। इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा बेसन, और बेसन का एज सच कोई मेजरमेंट नहीं है। आप ये जो चीज़ें ले रहे हो ना, मैं आपको बताऊंगी कैसा आपको चाहिए, उतना आप बेसन डालिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, काली मिर्ची, जीरा, हींग, थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक ऐड किया है। अब हाथों से बेसन और जो मसाले हमने काट कर हरे मसाले डाले ना इसमें, वो सभी चीज़ें मिक्स करने की कोशिश कीजिए, और ये जो आपने पेस्ट बना के रखा था कॉर्न का, ये ऐड कर दीजिए। अब कोशिश कीजिए कि ये जो आपका कॉर्न है ना, हाँ जो कॉर्न उबले हुए थे वो भी रख देंगे यहीं पर, सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। मैं बता रही थी, कोशिश कीजिएगा आपको पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। पहले बिल्कुल ही अच्छी तरह से जितना भी बेसन इस कॉर्न में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आप पहले इनकॉर्पोरेट कर लें। जब ये मिक्सचर टाइट होने लगे, थिक होने लगे, और आपको लगे कि नहीं हो रहा है, तो ही एक दो चम्मच आप इसमें पानी डालिएगा। और ये मिक्सचर अभी थोड़ा सा थिक रहेगा, इसे 15 मिनट रेस्ट देंगे तो ये लूज़ भी हो जाएगा। तो अभी से बहुत ही रनी ना बनाएं इस बैटर को, थोड़ा थिक थिक ही बनाइएगा, अच्छी तरह बस मिक्स कर लीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखें, आप चाहे तो नमक वगैरह चेक कर सकते हो, ढक्कन लगाकर एटलीस्ट 15 मिनट्स का इसको रेस्ट दें। मीनवाइल मैंने सरसों का तेल गर्म होने रख दिया है, और साथ ही साथ मैंने चढ़ा दी है चाय भी। यहाँ दूध गर्म हो रहा है, मैं बनाने लगी हूँ हमारी फेवरेट अदरक वाली चाय। कुछ 15 मिनट ये बैटर रेस्ट हो जाएगा, तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसलिए मैं बोल रही थी शुरू से ही इसको बहुत रनी ना बनाएं। इसके अंदर प्याज है और नमक वगैरह डाला है ना, तो थोड़ा सा मॉइस्चर निकल ही आता है। तो बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी ये है, आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी सही नहीं है, थिक है, तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, और रनी हो गया तो थोड़ा सा बेसन डाल सकते हो। अब देखिए मैं किस तरह से ये पकौड़े डाल रही हूँ, बस यही इसका ट्रिक है। इसको डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। रीज़न क्योंकि इसमें कॉर्न कर्नल्स हैं, और वो तेल में जाके कभी कभी फट जाते हैं, तो वाई टू टेक चांस, इसलिए इसको पैन में, वाइड माउथ वाले पैन में शैलो फ्राई करेंगे, और इसको थोड़ा सा फ्लैट करके डालेंगे। देखिए मैं गोल गोल पकौड़े नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा फ्लैट फ्लैट बना रही हूँ, जैसे कि टिक्की होती है ना उस तरह से। और इस ये एक तरफ से पक जाएगा, तो इसे फ्लिप कीजिए, और फ्लिप करते इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। आप ध्यान दीजिए मैं किस तरह कर रही हूँ, ऐसा करना ज़रूरी है, जैसे इससे क्या होगा अंदर तक ही अच्छी तरह पक जाएगा। और क्योंकि हम शैलो इसको फ्राई कर रहे हैं ना, ऊपर तक तेल नहीं चढ़ा हुआ है इनके, तो ऊपर से पकने में थोड़ी दिक्कत करेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरह दबा के फ्लैट कर दीजिए। तो इससे ये क्रिस्पी भी होगा, अंदर तक अच्छी तरह सिक जाएगा। जैसे टिक्की नहीं सेकते हैं, एक बार गोल गोल सेक लेते हैं और दूसरी बार थोड़ा सा प्रेस करके सेकते हैं तो ज़्यादा क्रिस्पी निकल के आती है, बस वही यहाँ पे प्रिंसिपल है। एक तरफ से ऐसे ही सेक लीजिए, दूसरी तरफ से सेकते हुए थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, तो इसकी जो सील जैसी बन गई है ना वो ब्रेक हो जाएगी, और अंदर तक अच्छी तरह ये सिकेगा और बहुत क्रिस्पी निकलेगा। और कम ऑयल में बहुत ही मज़ेदार ये फ्रिटर्स कह लीजिए, पकौड़े कह लीजिए, छोटे छोटे पैनकेक्स जैसे हैं, ये कटलेट जैसे तैयार हो चुके हैं। आप ये ट्राई ज़रूर देना, क्योंकि ये कॉर्न से बन रहा है तो थोड़ी सी इसमें स्वीटनेस रहती है, उस हिसाब से आप चिलीज़ एडजस्ट कर सकते हो जैसा भी आपको पसंद आए। बट अभी मानसून है ना, बना के एक बार ज़रूर देखिएगा, मानसून में पकौड़े वकौड़े खाने का मज़ा अलग ही है, और इसका इम्पॉर्टेंस भी है। मानसून में ज़्यादा फ्राइड खाना खाया जाता है, बिकॉज वो हेल्थ वाइज ज़रूरी है। इस वक्त इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है ना, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन, पेट क्लियर नहीं होना, एंड ऑल दोज बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, इसलिए भी इस सीज़न में थोड़ा सा फ्राइड खाना ज़्यादा खाना चाहिए। बाकी आई एम इन नो पोजिशन टू इम्पोज एनीथिंग ऑन यू, डिसीजन आपका है, बट ये ट्राई जरूर कीजिएगा, अभी बहुत अच्छे कॉर्न आते हैं, मानसून भी है, गिव इट अ ट्राई। ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, चाय वाय के साथ तो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है इन द इवनिंग।
और ये जो भजिया जैसा है ना, मतलब भजिया क्या बोल सकते हैं आप इसे, कटलेट भी कह सकते हो, क्योंकि ये फ्लैट होता है, टिक्की जैसा बनता है, तो आप ये ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मेरे घर में कॉर्न की सारी ही चीज़ें, मतलब कुछ भी मैं बनाती हूँ कॉर्न से, वो सबको बहुत पसंद आता है, चाहे वो स्वीट कॉर्न हो, कॉर्न करी हो, और मेरे फादर इन लॉ को पसंद है कॉर्न सूप। एक बार क्या इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मैं ना कॉर्न लेकर आई थी, हमारे यहाँ इस वक्त ये जो मानसून टाइम है ना, बहुत अच्छे कॉर्न मिलते हैं, बहुत अच्छे। मैं आज पढ़ रही थी किसी का कमेंट कि हमारे यहाँ भुट्टे नहीं मिल रहे, बट हमारे यहाँ पे तो, एंड आई थिंक अभी तो वो ट्रेन वाला सिस्टम भी शुरू हो गया है ना, वो किसान ट्रेन, तो सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ अभी ईजिली पहुँच जाती हैं। बट जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ हर मानसून में ना कॉर्न ऐसे भी मिलता है कि आप खरीद कर फिर उसको, ये खुल गया, तो आई वाज सेइंग कि आप उसको खरीद कर खुद भी घर में ला के प्रोसेस कर सकें, और ऐसे सड़कों पे भी बहुत मिलता है, मतलब भून कर भी जो कॉर्न ऑन द कॉब होता है ना, भुना हुआ, बॉयल किया हुआ, वो सब भी बहुत मिलता है, तो यहाँ पे मानसून में बहुत कॉर्न मिलता है। तो आई वाज सेइंग कि एक बार क्या हुआ, मैं कॉर्न लेकर आई थी, फिर मैंने, पापा थे यहाँ पे, और ये कुछ 2-4 साल पुरानी बात है, तो मैंने उस कॉर्न से कॉर्न सूप बनाया, और वो पापा को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे कहा कि जो कॉर्न, मतलब क्या घर में अभी और कॉर्न रखे हैं? तो मैंने कहा हाँ रखे हैं पापा। तो उन्होंने कहा लाकर मुझे दो, मैं छील कर देता हूँ, एक और बार बनाओ। तो उनको बहुत पसंद आया था। आई वाज प्लानिंग कि मैं दोबारा जब कॉर्न लाऊँगी ना, तो एक तो कॉर्न करी है जो मुझे रेसिपी आपके साथ शेयर करना, बहुत अच्छी बनती है, वो मेरे घर में पसंद की जाती है, और एक कॉर्न का सूप प्रॉब्ली मैंने अभी तक शेयर नहीं किया आपके साथ, तो वो मैं आपके लिए बनाऊंगी, और प्रॉब्ली उस दिन हम लोग पापा के पास लेकर जाएंगे, ही वुड ऑल्सो एन्जॉय इट। और कल की वीडियो में मैंने थोड़ी बहुत बातें आपके साथ की थी, आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच। अच्छी बात समझने के लिए भी अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी बातें समझ आती हैं। बहुत सारे मुझे कॉमेंट्स मिले, मैंने बहुत सारे पढ़े भी, और बहुत, मतलब आप लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी, आप उससे इत्तेफाक रखते हो, ये तो था ही, लेकिन बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला, जिसमें से मुझे बहुत लोगों ने, मतलब एक अच्छी वाली बात ये है कि मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि एक बुक है विच इज़ लाइक पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, तो मुझे बहुत उन्हें बोला कि आप ये पढ़िए, बिकॉज वो एक्चुअली वही बात है जो मैं आपसे कर रही थी। इट्स अ बुक फ्रॉम द्रौपदीज POV, तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं वो बुक खरीदूँ और पढ़ूँ उसे। और मेरे बाल आज थोड़े अलग मैंने बनाए हैं, मैं यहाँ पीछे बनाती हूँ ना, तो मेरे यहाँ यहाँ से बाल खींचते हैं, और फिर मुझे डर लगता है कि इधर से बॉल्डनेस ना आ जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा कभी कभी ऊँचा बना लेती हूँ। तो यस, मैं पैलेस ऑफ इल्यूजन्स विच इज़ इंद्रप्रस्थ, राइट, वही था वो पैलेस, तो मैं उसको ज़रूर ख़रीदूँगी। और आज शर्मा जी और मैं प्लान कर रहे हैं किचन का ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसके लिए मैंने बहुत पहले एक पेपर मंगाया था, मैंने आप लोगों का ओपिनियन भी मांगा था, अगर किसी ने यूज़ किया हो तो हाउ इज़ इट, क्या रिव्यूज़ है आप लोगों के, तो मिक्स थे, पर ज़्यादातर अच्छे की तरफ थे। तो आई एम फाइनली नाउ प्लानिंग कि मैं उसे लगा दूँ। शर्मा जी थोड़े बिजी हैं, वो फ्री होंगे तो देखते हैं, वो मुझे हेल्प कराते हैं, तो अगर उनको टाइम लगेगा तो आज मैं ये करके ही सोऊंगी। तो ये जो मेरा ब्लैक ब्लैक प्लेटफॉर्म है ना, ये वाइट वाइट हो जाएगा, फिर किचन और थोड़ा ज़्यादा लिट और वाइड एंड ओपन टाइप्स लगेगा। और हाँ, वो कर्मा वाली मैं बात कर रही थी, तो उसने एक बहुत अच्छा कमेंट मैंने पढ़ा, बहुत लोगों ने सिमिलर ही लिखा हुआ था कि कर्मा इज़ नॉट अबाउट आर एक्शंस ओनली, अबाउट आर डीड्स ओनली। जो मैं कल भी आपको बता रही थी कि मेरा थॉट ऐसा था कि कर्मा एज इन कर्म, यानी कि हमारे डीड्स, पर ये इतना कम नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है, और कर्मा इंक्लूड्स आर वर्ड्स एंड आर थॉट्स एज वेल। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा था, एक मिनट मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ, आपको पढ़ के बताऊँगी। और मुझे लगता है कि ज्ञान है ना, बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान आपको कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले, ग्रहण करना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा सा कॉमेंट है ये फ्रॉम सिमरनजीत कौर, शी सेज नॉट जस्ट words, even our thoughts create karma. Thought, word and deed. Easiest to control, deed. Still better to control, words. But most difficult to control, thoughts. Because without anyone's knowing, we wish the worst, think the worst at times. Hence, awareness and action towards all three are paramount of good karmas. Amazing, amazing. Articulation of sentence is just superb. कितनी अच्छी तरह से, कितना क्रिस्पली आपने इतनी गहरी बात बोल दी, एंड एट टाइम्स आई फील सो ग्लैड कि कितना मतलब नॉलेजेबल कम्युनिटी है जो बिल्ड की है हम लोगों ने यहाँ पे। मुझसे आप लोग सीखते होंगे, बट उससे कहीं ज़्यादा मैं आप लोगों से भी सीखती हूँ, एंड बस यही परस्पर मेल से ये सब चलता रहे, यही कामना है। तो चलिए, मुझे पता नहीं डिनर में मैं क्या करूँगी, बट ये मैं पूछ लेती हूँ, शर्मा जी कराते हैं तो ये कर लेते हैं आज।
और क्योंकि हमने चाय के साथ पकौड़े खाए थे कॉर्न वाले, तो ऐसा सच किसी का कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था। आई थॉट मीठा वाला दलिया कर देती हूँ। ये लाइट भी है, जल्दी से बन भी जाता है, आसान भी। इट्स अ काइंड ऑफ वन पॉट मील। आपके घर में बच्चे लोग हैं ना तो भी आप ये बना सकते हो, उन लोगों को बहुत पसंद आता है, उनके लिए हेल्दी भी है। और इसमें कोई खास रेसिपी नहीं है, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि दलिया को अच्छी तरह से भून के पहले पानी में गला लें, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए तो लास्ट में ही दूध मिलाएं। दूध डालकर आप इसको सीटी वीटी दोगे या पकाने लगोगे तो एट टाइम्स ये दूध जो है फट जाता है, तो दलिया ख़राब हो जाता है। ऑल्सो दलिया बहुत ज़्यादा दूध पीता भी है, तो इसलिए पहले उसे पानी से पका लीजिए तो बाद में दूध डाल सकते हैं आप। आपकी चॉइस के नट्स वगैरह डाल दीजिए, थोड़ा इलायची पाउडर, आपके स्वाद के हिसाब से चीनी डाल दीजिए, और एक उबाल आने के बाद ये बस तैयार है। और ये एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट रेसिपी भी हो सकता है। इनफैक्ट जब बच्चे शाम में यानी कि दोपहर में नैप वैप ले लेते हैं ना, और शाम में फिर बच्चे फ्रेश होते हैं तो उनको थोड़ी बहुत भूख लगती है, तो उस वक्त भी आप ये बना सकते हो। ये काफ़ी हेल्दी है, जल्दी से भी बन जाता है। आप टाइम सेव करने के लिए दलिया को रोस्ट करके भी रख सकते हो, तब तो ये लाइक इन नो टाइम बन जाएगा, कुछ भी इसमें वक्त नहीं लगता और बच्चों को पसंद भी आता है। और मैं यहाँ बैठकर आपसे बातें कर रही थी, और मैंने जब एडिट करने लगी हूँ तो नोटिस किया कि ऑडियो यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, और मैं आपसे बहुत अच्छी कुछ बातें कर रही थी। पहला तो मैं आपको यही बता रही थी कि जो किचन का जो काम हम लोग करने वाले थे वो नहीं कर पाए, बिकॉज़ जो टूल्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर रखे हुए हैं पापा के घर में, तो बिना टूल्स के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली कटर एंड ऑल। तो पापा के घर आज क्योंकि ईद है तो छुट्टी है सभी की, शर्मा जी और पापा भी गए नहीं हैं फैक्ट्री, तो उनके यहाँ पर जो टीवी का काम होने वाला है ना, मैंने आपको बताया था कि टीवी बनाने वाले हैं शर्मा जी और पापा मिलकर, तो वो काम आज ही करेंगे, तो फिर उसके बाद उनके घर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा करने के लिए। सारे जो छोटे मोटे फिटिंग्स वगैरह हैं वो शर्मा जी ऑलमोस्ट कर चुके हैं, सिर्फ अभी दो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं, जिसमें से एक है टीवी लगाना, तो वो आज हो जाएगा। और इसके बाद है चिमनी इंस्टॉलेशन, तो चिमनी पापा ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, वो भी काम एक दो दिन में हो जाएगा। और उसके बाद फिर रहते रहते जैसा आपको फील आता है उस हिसाब से होम इम्प्रूवमेंट चलता ही रहता है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो क्या चेंज करना है, क्या नया फर्नीचर बनाना है, तो वो धीरे धीरे चलता ही रहेगा। एंड यस, मैं ना आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बहुत ही डीप मेरे थॉट्स शेयर कर रही थी, एंड इट वाज अबाउट हाउ टू मेंटेन रिलेशंस। मुझे लोग बोलते हैं कि आप लोगों की फैमिली परफेक्ट फैमिली जैसी दिखती है, किस तरह आप रिश्ते निभाते हो, तो मैं उसी बारे में आपको बता रही थी। पता नहीं ये ऑडियो करप्ट ही हो चुका है यहाँ पर, तो मैं किसी और दिन इस बारे में अच्छी तरह आपसे बात करूँगी, क्योंकि वहाँ सामने जो आप देख रहे हो वो कुछ और ही लिप्स चल रहे हैं और मैं जो बोल रही हूँ वो कुछ और ही चल रहा है, तो इससे क्या है बात का एसेंस ख़त्म होता है। तो मैं किसी और दिन आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी मेरे थॉट्स ऑन दिस। तो बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो और वीडियो में दिखाई गई रेसिपीज़ आपको पसंद आई हैं, आप ट्राई करेंगे। जाते जाते एक बार फिर मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी ईद, हैप्पी ईद उल अदा। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ़ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इन्जॉय योर डे। बाय बाय, टेक केयर।